न्यूक्लियोपाइल्स। अब देखो न्यूक्लियोपाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोपाइल्स इलेक्ट्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, लविंग स्पीसीज भाई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो किसके प्रति स्नेह रखेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं कुल मिलाकर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। समझ में आ रहा है नहीं आता? देखो ये कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। तो देखो हैव टेंडेंसी, हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी टू डोनेट, डोनेट एट लिस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। देखो जितने भी लुईस बेस है सबके सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट करके लिखना, ऑल ऑल लुईस बेसेज, लुईस बेसेज आर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सभी लुईस बेसेज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, क्लासिफिकेशन या टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना। देखो एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, फर्स्ट केस देखो, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ऑल नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। देखो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है सभी के सभी इसी कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना। एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, जैसे सी एल माइनस, बी आर माइनस, सी एन माइनस, एन ऑटो माइनस, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। देखो सी एच थ्री माइनस, सी एच थ्री माइनस, ओ एच माइनस, जिसमें भी नेगेटिव चार्ज है कुल मिलाकर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, कोई सी भी हो सकती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, एटसेट्रा। तो ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगी। ध्यान देना इलेक्ट्रोफाइल में अपने कहा था पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, लेकिन ऑल पॉजिटिवली चार्ज वहां पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि H3O+ NH4+ इन पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो 100% न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा। किसके उठा बी एफ फोर? देखो बी एफ फोर माइनस है, डायरेक्ट तो बॉन्डिंग नहीं होगी इस पर, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहां पर आप उसी तरह से देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह, समझ में। डायरेक्ट बॉन्डिंग तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास भी ऑर्बिटल्स कंप्लीट बन चुके हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, आप समझना, तो मेरे हिसाब से आज क्लियर हो गया होगा। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को आपको किसमें कंसिडर करना है? न्यूक्लियोफाइल में। अब देखो समझना नेक्स्ट केस, देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच एट लिस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। देखो ध्यान देना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ध्यान देना, पहली कंडीशन न्यूट्रल है और कम से कम एक लोन पेयर होने चाहिए तो भी क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल देखे, जैसे अपन बात करें, देखो H2O, ठीक है, ROH, ठीक है, ROR, ROR, या फिर अपन लिख सकते हैं R2O, ठीक है, H2S, H2S, ठीक है ना, RSH, R2SH, NH3, देखो RNH2, R2NH, R3N, etc. मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा,
समझ में आ रहा है? देखो जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिनमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस कैटेगरी में आएंगे, समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे देखो Cl2 न्यूट्रल है या नहीं, क्या इस पे लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप थोड़ा कैटेगरी का ध्यान रख लेना, अपन इन मॉलिक्यूल्स को स्पेशल कैटेगरी बनाकर कैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें लो एनर्जी के सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इनको अपन उधर पहले रख चुके हैं तो यहाँ पर ये दोबारा आपको नहीं रखने, ठीक है ना? तो मेरे के हिसाब से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जो इसमें नहीं आएंगे, वो किसमें गए, इलेक्ट्रोफाइल में। देखो एक्सेप्ट एक्सेप्ट देखो से एल टू बी आर टू और आई टू, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना? देखो नंबर थ्री, नंबर थ्री देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन एंड मतलब ऑर्गेनिक स्पीसीज कार्बन एंड मेटल के बीच बॉन्डिंग होती होती ही नहीं होती। तो यहां पर देखो एक तो ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है और दूसरा मेटल होता है, दोनों के बीच क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। अब देखो ध्यान देना, जो मेटल है मेटल में कौन सा करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है ना। देखो ये लिख रखा है, सबने लिख रखा है ना, देखो इधर ध्यान देना, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, देखो समझना मेटल स्प्लिंग क्या है, मेटल की मेटल्स ऐसे लिखता हो ना, देखो एम ए टी ए एल एस, ठीक है ना? देखो मेटल से मतलब मेलेबल, समझ में आ रहा है? इससे मतलब क्या होगा, मेलेबल। देखो ई से मतलब डार्क, ई से मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। देखो टी से मतलब टेंसाइल हो गया, ए से मतलब एलोइज हो गया, एलोई बनाते नहीं बनाते, एल से मतलब लस्टर हो गया है ना, लस्टर का मतलब क्या, एक स्पेसिफिक चमक उत्पन्न करते हैं ये, एस से मतलब सोनोरस, सोनोरस मतलब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइप की ये आवाज उत्पन्न करते भाई। ये देखो आप जैसे एक तो आयरन लिए अपन ने, आयरन यहाँ पर आयरन को गिराया अपन ने, आयरन के टुकड़े को, उसकी आवाज आएगी नहीं आएगी, गिरते। फिर एक कॉपर के को गिरा हुआ, क्या दोनों की आवाज सेम होगी, नहीं होगी। हर प्रत्येक मेटल की एक स्पेसिफिक आवाज होती है, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब सोनोरस है, आप चाहो तो लिख लेना। एम का मतलब मेलेबल, मेलेबल ठीक है ना, मेलेबल मतलब क्या होता है, जिस पर अपने चोट मारी और उसको उसके एक थिन लेयर जिसकी बनाई जा सकती है, समझ में आ रहा है? देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का मतलब है जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है? मतलब टेंसाइल, जिनका वायर बनाया जा सकता है खींच के, समझ में आ रहा है? ए से मतलब एलोई, अपन को पता है मेटल्स की एलोई बनाई जा सकती, समझ में आ रहा है? ए से मतलब क्या है, एलोई। अब एलोई क्या होता है एक्चुअली, एलोई मिक्सचर होता है किसका, मेटल्स का है। तो एलोई अलग से कुछ नहीं होता, ये क्या है देखो, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल, इनका ये मिक्सचर होता है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें जिंक कॉपर है ना, तो एलोई में क्या है, ये जो बीच का बॉन्ड होता है ना, मेटेलिक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ये मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा एलोई के अंदर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, जीरो कंसिडर की जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, एलोइस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये क्या है, एलोई होता क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स होता है। एल से मतलब क्या है, लस्टर, एल से मतलब लस्टर है, लस्टर का मतलब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक चमक हो गई, प्रत्येक मेटल की एक अलग ही चमक होती है। जैसे मतलब गोल्ड की एक स्पेसिफिक अलग चमक होगी, और अपन आयरन ले ले उसके अलग चमक होगी, अगर सभी मेटल्स की चमक एक जैसे हो तो क्या होगा, क्या कोई सोना पहनेगा, गोल्ड नहीं पहनेगा, तो कुछ कोई फायदा ही नहीं है ना, ठीक है ना? तो देखो इसी तरह से इससे मतलब है सोनोरस है ना, इसका मतलब स्पेसिफिक आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना? टी से मतलब टेंसाइल, और ई से मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव
करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। और एम से मतलब है मेलेबल, मेलेबल। अब देख लेना। अब देखो कुल मिलाकर मुझे तो ये समझाना है यहाँ पर, अभी इससे कोई मतलब नहीं था। देखो इधर देखो आप, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक स्पीसीज की बॉन्डिंग किससे होती है? मेटल से होती है। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नहीं होगी? होगी ना। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर करता है, किसको? ऑर्गेनिक स्पीसीज को। और ऐसा करते क्या होगा, आर माइनस प्लस एम प्लस हो गया, होगा नहीं होगा? और यहाँ पर देखो ये जो R माइनस बना है ये होगी एक न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक साइट। ये कौन से साइट हो गई? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक साइट। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देना, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वो क्या होते हैं? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला? क्योंकि उनसे अपन को न्यूक्लियोफाइल मिलते हैं। ठीक है ना। तो देखो सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये कर लिया कि सबने? इधर वाला लिख रखा है ना सबने? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं। देख कुछ एग्जांपल्स देखे इसके। देखो इधर जैसे मैंने एग्जांपल ले यहाँ पर आर एम जी एक्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सब जानते हो आर एल आई सुपर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। आर टू सी यू एल आई गिलमान रिएजेंट, पता है ना सबको? गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। आर टू जेड एन फ्रैंकलैंड रिएजेंट, है ना। आप चाहो तो लिख लेना, ऐसे सबको पता है। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखो ये हो गया भाई सुपर ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्योंकि आर एल आई को सुपर ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उन केमिकल रिएक्शन को भी आसानी से दे देता है जिनको ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं दे पाता। समझ में आ रहा है ना। देखो ये हो गया गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, ठीक है ना। ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। समझ में आ रहा है ना। देखो ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, गिलमान रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये क्या है? ये जो नेम है ना, ये इनके साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ग्रिगनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इसी तरह से ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये सबके सब क्या है? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इस तरह से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा भाई। अपन ने लिखा है कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है, वो तीन होती। और ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दे रहा है, नहीं दे रहा? दे रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा क्या मेटल साइनाइड इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में रखते हैं? नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनके जो प्रॉपर्टीज होती है वो इस इनसे मैच करती ही नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी सिंपल होती है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वैसे, उनके इस कैटेगरी में नहीं रखते। लेकिन मेटल कार्बोनिल्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में रखा जाता है। तो ध्यान देना, जो मेटल साइनाइड्स होते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अब देखो साइनाइड में मेटल और कार्बन के बीच ही बॉन्डिंग है, लेकिन इसको इस कैटेगरी में नहीं रखते। रीजन क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल भी मैच नहीं करते। समझ में आ रहा है ना। देखो ये हो गया थर्ड पॉइंट। नंबर फोर पॉइंट देखो, देखो सम पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, सम पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल यहां पर देखो एल्कीन, एल्किन जानते हो ना एल्किन? देखो ये अब यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, देखो एल्काइन्स, एल्काइन्स यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। समझ में आ रहा है? बेंजीन, बेंजीन, ये समझ में आ रहा है? देखो एटसेट्रा जो भी है। देखो ये सब न्यूक्लियोफाइल क्यों है?
क्यों न्यूक्लियोफाइल है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समझ में आ रहा है ना? तो देखो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्राई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस की वजह से किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। मेरे साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो देखो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होते हैं। पहला केस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, सेकंड केस न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिन पर कम से कम वन लोन पेयर हो, थर्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और फोर्थ कौन सा हुआ? पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया ना सबको? देखो हेडिंग डालना एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, देखो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल देखो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? देखो समझना, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें कम से कम ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें टू डोनर साइट है लेकिन एक समय पर केवल एक ही डोनर साइट बॉन्डिंग में काम में आती है, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें लिखना, देखो न्यूक्लियोफाइल्स इन विच टू डोनर साइट्स आर प्रेजेंट बट एट द सेम टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूज्ड इन बॉन्डिंग कॉल्ड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? तो देखो न्यूक्लियोफाइल इन विच टू डोनर साइट इज प्रेजेंट बट एट द सेम टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूज्ड इन बॉन्डिंग कॉल्ड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखो एग्जांपल, जैसे मैंने बात करें, देखो CN- and NC-, देखिए साइनाइड या आइसोसाइनाइड, देखो यहाँ पर डोनर कौन है? कार्बन है। यहाँ पर डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। और देखिए, देखो अच्छा एक बात और ध्यान देना, मैं साथ के साथ लिख देता हूँ। किसी न्यूक्लियोफाइल में जो कि एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, इसमें दो डोनर साइट है ना, उनमें से देखो एक डोनर साइट हार्ड होती है और एक सॉफ्ट होती है। देखो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसी जीओसी के अंदर, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और कई प्रकार के क्वेश्चन वहां से बहुत ही आसानी से सॉल्व भी होते हैं, और यू मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझने के लिए, ठीक है ना? तो अभी हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट अपन ने नहीं पढ़ा, अभी मैं डायरेक्ट ही थोड़ा सा अनुमान बता रहा हूं। जिस साइट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ध्यान देना अभी मैं के डोनर साइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जिस साइट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सॉफ्ट होगी, और जिसकी ज्यादा होती है वो हार्ड होगी। साइज के अकॉर्डिंग देखें तो जो छोटी साइज का होता है वो हार्ड होता है, जो बड़ी साइज का होता है वो सॉफ्ट होता है। ये देख लो आप, तो भी तो सिर्फ देखो हार्ड साइट, देखो यहाँ पर क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में आ रहा है ना? एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता वो सब अपन HSAB में पढ़ेंगे, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना? अभी सिर्फ आप नॉर्मल देख लो इसको। देखो सॉफ्ट साइट, ठीक है ना? सॉफ्ट साइट यहाँ पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना? एंड लार्जर साइज। अब देखो ध्यान देना, जैसे इसी की बात करें, देखो यहाँ पर डोनर कौन है? कार्बन है। यहाँ पर डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। इसका मतलब ये साइट कौन सी हुई? ये हार्ड साइट हुई। तो देखो ये तो हो गई भाई हार्ड साइट, और ये कौन सी हो गई? ये हो गई सॉफ्ट साइट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और केस देखते हैं अपन। देखो जैसे मान लो ये ले लिया मैंने CH2- C डबल बॉन्ड O CH3,
देखो ये डीलोकलाइजेशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन के दौरान भाई ये बनेगा, देखो इसके लिए जेनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा, ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ माइनस और सी एच थ्री, समझ में आ रहा है। देखो अगर ये इस फॉर्म में काम में आता है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो यहां पर डोनर कौन होगा, यहां पर डोनर कार्बन, और अगर इस फॉर्म में काम में आता है तो डोनर कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये सॉफ्ट हो गई सॉफ्ट साइट, और जबकि ये कौन सी है, ये हार्ड साइट हो गई, हार्ड साइट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, है ना, इसको नोट करो। देखो पहले कर ले सबने, हो गया यहां तक, किसी कोई डाउट है क्या, ये कर रखा है इधर वाला, ठीक है ना। देखो देखो यहां पर अपन कुछ और केस देखते हैं, समझना। देखो जैसे अपन बात करें यहां पर और केस देखते हैं, जैसे अपन बात करें देखो ये केस ले लिया, जैसे इनामिन्स, इनामिन जानते हो ना सभी, देखो ये इनामिन्स, ठीक है ना। इनामिन्स का मतलब देखो नाम क्या है इनका, एनामिन, देखो एनामिन एन प्लस अमीन, ठीक है ना। देखो ये यहाँ ए ए है ना, इसलिए यहाँ का ई ड्रॉप कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या हो, अगर पीछे ए ई आई ओ यू एंड वाई हो तो आगे का ई ड्रॉप कर दिया जाता है। जब दो दो वर्ड को आप जोड़ोगे ना, तो पीछे वाले वर्ड में क्या आ जाए, ए ई आई ओ यू या फिर वाई, तो आगे का हमेशा ई ड्रॉप किया जाता है नेमिंग में, ठीक है ना। तो देखो ये इनामिन्स है, अब इनामिन्स में क्या, देखो ध्यान देना, ये डीलोकलाइजेशन हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर भाई ये हो गया ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये पॉजिटिव। देखो अगर ये इस फॉर्म में काम में आता है ना, तो डोनर ये, यहां पर डोनर कौन है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ये हार्ड साइट हो गए। अगर ये इस फॉर्म में काम में आता है तो डोनर यहां पर कार्बन होगा, और ये सॉफ्ट साइट हो गए, सॉफ्ट साइट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक दिमाग, एक क्वेश्चन यहां पर दिमाग में ये आ सकता है, भाई इनमें तो दो डोनर साइट है यानी सभी में दो डोनर साइट है, और अपन ने यह भी लिखा है कि एक समय पर एक ही डोनर साइट बॉन्डिंग में काम में आते, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक ही कंपाउंड में एक साथ दोनों साइट काम में आ जाए, कि ये कार्बन से भी बॉन्डिंग कर ले और नाइट्रोजन से भी कर ले, ऐसा नहीं होता। अगर किसी कंपाउंड में इसकी बॉन्डिंग कार्बन से हो रही है, तो फिर कार्बन से होगी, नाइट्रोजन से नहीं होगी, नाइट्रोजन से हो रही तो नाइट्रोजन से होगी, फिर कार्बन से नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है कि कब तो ये बॉन्डिंग कार्बन से करेगा और कब नाइट्रोजन से करेगा, मतलब कब हार्ड साइट काम में आती, कब सॉफ्ट साइट काम में आती। देखो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या है, कौन है, समझ में आ रहा है। इधर देखो आप, जैसे मान के चलो, ये देखो कि एक ही बॉन्डिंग करवानी है अपन को इससे, अब मान के चलो कि ये जो प्लस है, ए प्लस है, सपोज करो ये सॉफ्ट है, इसकी नेचर कौन सी है, सॉफ्ट, तो बॉन्डिंग कार्बन से होगी। अगर ए प्लस सपोज करो इसकी नेचर हार्ड है, तो बॉन्डिंग नाइट्रोजन से होगी। तो करने का मतलब ये डिपेंड किस पर करता है, कि सामने वाला कौन है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप जिस सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो उसकी पोलैरिटी क्या है, वो पोलर है नॉन पोलर है, ठीक है ना, जिसके साथ बॉन्डिंग हो रही है उसकी नेचर सॉफ्ट है हार्ड है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर बॉन्डिंग डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैक्सिमम पार्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा ये सबका। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। एमिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो ध्यान देना, कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं, यानी कहते देख कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक ही केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। ध्यान देना, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक ही केमिकल रिएक्शन में एक ही कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा और वही कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, समझ में आ रहा है ना। लिखना आप देखो, इन सम केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल केमिकल रिएक्शंस ओनली वन कंपाउंड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज
एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो, इन सम केमिकल रिएक्शंस ओनली वन कंपाउंड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल देखिए कौन सी है, कौन सी चलो ये लिख लिया सबने, इधर वाला लिख रखा है ना। चलो देखो, चलो इधर देखो, देखो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि इन सम केमिकल रिएक्शंस ओनली वन कंपाउंड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल अपन यहाँ पर लेते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, देखो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो समझना, जैसे मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर सबको पता होगा एल्डोल कंडेंसेशन एसिड एंड बेस कैटेलाइज है, मतलब दोनों ही मीडियम में हो जाते हैं। मैं भी एसिड कैटेलाइज की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर प्रोडक्ट बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया, डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस लेते हैं, या डाइल्यूट एसिड, और यहाँ पर आप डाइल्यूट बेस भी ले सकते हो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना, ये यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो समझना, आप ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा। देखो मैकेनिज्म, ये रिएक्शन इस प्रकार होते हैं। देखो मैकेनिज्म, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H, देखो H प्लस का टैग कहाँ पर होगा, उस जगह पर होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि H प्लस खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर। इलेक्ट्रॉन रिच कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन है ना, लोन पेयर है, यानी इस पर जिसका टैग यहां पर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस प्लस H, ये हो गया ना, ओ एच प्लस हो जाएगा, या होगा नहीं होगा। अब इसको मैं ऐसे लिख दू, ऐसे देखो ध्यान देना, ये बॉन्ड तो भाई पहले से ऐसे टूटना चाहता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब तो यहाँ पर पॉजिटिव और आ गया, इसका मतलब इसके टूटने के चांस और बन गए ना। जैसे बॉन्ड टूट गया पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते ही शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ टोटोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये CH2 डबल बॉन्ड CO H और यहाँ पर हो गया H, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा है। ये हो गए इनोल फॉर्म, इनोल, ये क्या हो गए, इनोल फॉर्म। देखो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इनोल बनता है या इनोलेट बनता है, एक बात ध्यान देना, जिस यहाँ पर कौन बना, इनोल बना ना, अभी अगर यहाँ बेसिक मीडियम लेते तो चेंज नहीं होता कुछ भी, यहाँ पर इनोल के स्थान पर इनोलेट बनता है, इनोलेट का मतलब यहाँ माइनस आता, एच नहीं होता यहाँ पर, बेसिक मीडियम है ना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनता, इनोलेट आयन बनता। देखो किसी रिएक्शन में इनोल बने चाहे इनोलेट बने, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये कर लिया सबने भाई, इधर वाला कर लिया ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं आज तक। देखो इधर देखो सभी, मैंने बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन में तो इनोल बने या इनोलेट बने, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते ही। अब एसिडिक मीडियम हो तो इनोल बनता है, बेसिक मीडियम हो तो इनोलेट आयन बनता है। ये भी क्या लिया हमने, एसिडिक, इसलिए यहाँ पर क्या बना, इनोल बना है, ठीक है ना। अब देखो आगे रिएक्शन कैसे होगी, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H, देखो ये कीटो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। देखो कीटो फॉर्म हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, देखो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है, इनोल फॉर्म है, देखो ये इनोल CH2 डबल बॉन्ड C O H O H, ये किसकी तरह काम करेगा, ये इनोल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह हो गया भाई। अपन को तो एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था और एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, दोनों मिल गए ना। अब यहाँ से ये हो गया, ये यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा ना, बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो प्लस तो इसी पे आएगा, इसलिए इस कार्बन का टैग इसी पर होगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर CH3 O, यहाँ पर माइनस आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, और यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये H, और यहाँ पर हो गया CH2, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O
एच, यहां से देखो एच प्लस निकलेगा ना, उस एच प्लस को यहां रख दो सीधा ही, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, अब इस एच को ऐसे लिख दो, देखो इसको अपन ने गर्म किया, गर्म करते यहां से और यहां से, कुल मिला के वाटर बाहर निकल जाएगा यहां से, समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहां पर क्या बना, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ। अब देखो ध्यान देना, यहां पर देखो ये कंपाउंड तो एक ही है ना, इधर देखो सभी कंपाउंड तो एक ही है ना, यही कंपाउंड, इसी कंपाउंड की एक फॉर्म इनोन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है, और इसी कंपाउंड की दूसरी फॉर्म कीटो फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रही है, मतलब एक ही कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर रहा है। कीटो और इनोल को अलग अलग कंसिडर नहीं किया जाता, ध्यान देना, कीटो इनोल एक दूसरे में तेजी से इंटरचेंज होती है, कीटो और इनोल एक दूसरे में बड़ी तेजी से इंटरचेंज होते हैं, उनको अलग अलग कंसिडर नहीं किया जाता, कीटो इनोल को आइसोमर भी नहीं माना जाता, उस एक कंपाउंड है, वो कन्वर्ट होता है एक दूसरे में तेजी से, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, समझ में आ रहा है ना? इसलिए क्या उनको अलग अलग कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए कहा है कि एक ही कंपाउंड की एक फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल जबकि दूसरी फॉर्म न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में काम कर रही है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ रिएक्शन जैसे है जिसमें एक ही कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। यहां पर यह बात देखो, जब अपन एल्डोल कंडेंसेशन अलग से पढ़ेंगे नेम रिएक्शन में तब डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूं, एसिडिक मीडियम में इनोल बनता है जबकि बेसिक मीडियम में इनोलेटाइन बनता है, ठीक है ना? यहां लिख देता हूं मैं, देखो इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इनोल इज फॉर्म्ड, इनोल इज फॉर्म while in basic medium enolate ion is formed, समझ में आ रहा है? एसिडिक मीडियम में इनोल बनता है जबकि बेसिक मीडियम में क्या बनता है? इनोलेट आयन बनता है ना? करो यहां तक नोट देखो,